प्यारे बच्चों, एक दफा एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं, तो उसने अपने मुल्क की रियाया में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा, जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफजदा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार ना था। इसी दौरान एक कुम्हार, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसने सारी जिंदगी कुछ जमाना किया था। उसके पास सिवाय एक गधे के कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर लेगा तो वो बादशाह बन सकता है, और हिसाब किताब में जवाब ही क्या देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो था ही कुछ नहीं। सो उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की कब्र में जरूर गुजारेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की और वादे के मुताबिक कुम्हार खुशी खुशी उसमें जाकर लेट गया। लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा कि उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा कि भाई, किस चीज का हिसाब, मेरे पास तो सारी जिंदगी था ही कुछ नहीं सिवाय एक गधे के। फरिश्ते उसका जवाब सुनकर जाने लगे, फिर एकदम रुके और बोले, जरा इसका नामाए आमाल खोल कर देखें, इसमें है क्या। बस फिर क्या था, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फला दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा। उसने जवाब दिया, जी। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि इसको 100 डंडे मारे जाएं। सो उसकी खूब धुनाई शुरू हो गई। उसके बाद फरिश्तों ने सवाल किया कि अच्छा ये बताओ कि फला दिन तुमने ज्यादा वजन लाद कर गधे को मारा था। उसने कहा कि जी। फिर हुक्म हुआ कि इसको 200 कोड़े मारे जाएं। फिर फरिश्तों ने इसको मारना शुरू कर दिया और सुबह तक इसको मार ही पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कुशाई की ताकि नए बादशाह का इस्तकबाल कर सकें। जैसे ही उन्होंने कब्र खोली तो कुम्हार बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा कि बादशाह सलामत किधर जा रहे हैं, तो उसने जवाब दिया, भाइयों, पूरी रात मैं एक गधे का हिसाब नहीं दे सका, तो पूरी रियाया और मुमलिकत का हिसाब कौन देता फिरे। कहानी फर्ज है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि हमने भी एक ना एक दिन हिसाब देना है, तो हम क्यों ना ऐसे आमाल करें या ऐसे डीड्स करें जो कि ना सिर्फ हमारे लिए अच्छे साबित हों, और बल्कि बादशाह की तरह या कुम्हार की तरह नहीं, बल्कि हम एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारें। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि हमें अच्छे काम करने हैं ताकि